धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। कोट रोपी हादसे में केंद्र सरकार ने मदद का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगी 2-2 लाख रुपए की राशि, घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का वादा। विधायक जयराम ठाकुर की गाड़ी का पीछा करना निंदनीय, प्रदेश में भाजपा विधायकों नेताओं की सुरक्षा खतरे में, कहा भाजपा कानूनी एवं विधिक विभाग राष्ट्रीय सदस्य नरेंद्र गुलेरिया ने। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला के सबसे बड़े अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार, एक बिस्तर पर लेटा दिए हैं 2-2 मरीज, अस्पताल प्रबंधन की फूल गई है सांसें, बाहर इलाज की दे रहे हैं सलाह। और धूमधाम के साथ 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव हुआ शुरू, मंदिरों में विराजे गणपति बप्पा। इस बार जिला बिलासपुर में जमकर बारिश होने का क्रम जारी है। भारी बरसात में गुहारवी शहर में मकानों में पानी घुस गया है। पानी इतना ज्यादा था कि पूरा घर तालाब की तरह नजर आ रहा था। मकान मालिक ने बताया कि पानी के बहाव के साथ घर की बाउंड्री वॉल भी गिर गई है। रात को भारी बारिश के कारण हमारे घर के पास हमारी बाउंड्री वॉल जो थी वो गिर गई और मड़बा जो हमारे सारे घरों में कमरों में घुस गया हुआ पानी। सुबह से आदमी लगे हुए हैं उसको साफ करने के लिए। रात को तो तालाब बन गया था, उसमें कुछ कमी पता नहीं लग रहा था, साथ में लाइट नहीं थी और ऊपर से नीचे तक एक झील भी नजर आ रही थी, उसकी वजह से हम घबरा गए हुए थे। और फिर हम इधर उधर सबको बोलने लगे कि देखो हमारे घर का ये हाल हो गया है, हमारे खेत भी हमारा बह गया हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है हमारे घर को और हमारे खेत को। बाउंड्री जो है उसकी ईंटों का तो बहुत पता नहीं है, कुछ ईंटें या हम गिर गए हुए हैं और कुछ बह कर चली गई हुई। किसानों और बागवानों को अब फसलों में लगे कीट भगाने के लिए जहरीले रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाने वाले इको फ्रेंडली पौधे ऑटोमिजिया की गंध कीटों को फसलों के नजदीक फटकने नहीं देगी। IHBT के वैज्ञानिकों का शोध अंतिम चरण पर है और जल्द ही इसे तैयार कर लिया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्सेज टेक्नोलॉजी पालमपुर के वैज्ञानिक इस पौधे पर बरसों से शोध कर रहे हैं। शोध कार्य अब अंतिम चरण में है। वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई तो जल्द रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग बंद हो जाएगा। इससे न केवल ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हार्ट, BP और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। रसायनों की वजह से कम हो रही पैदावार भी बढ़ जाएगी। IHBT तांदी केंद्र के वैज्ञानिकों का दावा है कि वे पिछले एक दशक से ऑटोमिजिया पौधे पर शोध कर रहे हैं। पहले इस पौधे से तेल निकालने में कामयाबी हासिल की। शोध में पता चला कि इस पौधे में एक ऐसी चमत्कारी गंध है जो कीटों को अपने निकट आने नहीं देती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ऑटोमिजिया पौधे से तैयार ऑर्गेनिक कीटनाशक पाउडर और लिक्विड दोनों रूपों में तैयार किया जा रहा है। इसे स्प्रे के तौर पर भी फसलों पर छिड़का जा सकेगा। स्थानीय लोगों में इस पौधे का नाम यूर्चा प्रचलित है। इसकी पत्तियों का मवेशियों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। IHBT के निदेशक ने माना कि ऑटोमिजिया पौधे पर शोध अंतिम चरण में है। कुछ महीनों में इस पौधे से जैविक कीटनाशक दवाई तैयार करने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद संस्थान इस चमत्कारी पौधे की पैदावार बढ़ाने की दिशा में भी काम शुरू करेगा। बता दें कि अनुमान के मुताबिक देश में हर साल करीब 50 लाख टन से अधिक रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। इस कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अलावा फसलों की पैदावार घटती जा रही है। इससे पैदावार का संतुलन भी बिगड़ गया है। एक साल पैदावार हो रही है तो दूसरे साल न के बराबर। ब्यूरो रिपोर्ट, KCHANNEL। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव शुरू हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव के लिए मंदिरों व घरों में गणेश जी की एक विशेष मूर्ति को स्थापित किया गया। वहीं समाज कल्याण समिति धनोटू ने भी विधिवत पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज किया। ADM मंडी राजीव कुमार ने नारियल फोड़कर उत्सव का शुभारम्भ किया। गणपति बप्पा अब आ गए हैं। एक दंत दयावंत अब धरती पर अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने पहुँच गए हैं। हर वर्ष मनाया जाने वाला गणेश उत्सव शुक्रवार को शुरू हो गया है। गणेश चतुर्थी के दिन समाज कल्याण समिति धनोटू ने ADM मंडी राजीव कुमार के साथ मिलकर भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की। इससे पूर्व कमेटी के प्रधान भूपेंद्र ने ADM राजीव को सम्मानित किया। वहीं ADM ने आयोजक समिति को कार्यक्रम की बधाई दी एवं समाज कल्याण समिति
धरोटू द्वारा गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। ये 11 दिनों तक उत्सव चलेगा और इस समिति द्वारा ये दूसरी बार, ये पिछले वर्ष से शुरू किया था, ये दूसरी बार इस आयोजन को करवाया जा रहा है। और मुझे आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कामना करता हूँ कि ये जो उत्सव है ये सबके लिए सुख शांति समृद्धि लाए और अच्छे तरीके से इसका समापन हो। धरोटू वासियों को और अन्य सभी स्थानीय वासियों को इस उत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में समाज सेवी ब्रह्मदास चौहान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद ग्रहण किया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। छोटी काशी मंडी में गणेश उत्सव का त्यौहार महाराष्ट्र की तर्ज पर हर वर्ष बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। शुक्रवार को एडीसी मंडी अश्विनी कुमार ने मंडी स्थित सिद्ध गणपति मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर गणेश उत्सव का शुभारंभ किया। छोटी काशी मंडी में शुक्रवार को गणेश उत्सव का आगाज हो गया। मंडी स्थित प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में इस वर्ष भी 25 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक गणेश उत्सव का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। शुक्रवार को एडीसी मंडी अश्वनी कुमार ने मंडी स्थित सिद्ध गणपति मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर गणेश उत्सव का आगाज किया। इस मौके पर एडीसी मंडी ने सभी को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छोटी काशी मंडी में गणेश उत्सव महाराष्ट्र मुंबई की तर्ज पर हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और सारा मंडी शहर भक्तिमय हो जाता है। आज यहाँ मंडी शहर में सिद्ध गणपति मंदिर में गणेशोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। इसके तहत यहाँ गणेश की पूजन किया जाएगा और 3 सितंबर को यहाँ मंडी में छोटी काशी के नाम से जो प्रसिद्ध है इसमें इसका प्रवाह किया जाएगा। और इन दिनों में यहाँ शहर का और आसपास के जो इलाकों का वातावरण भक्तिमय होगा। ये मुंबई की तर्ज पे, महाराष्ट्र की तर्ज पे ये गणेश उत्सव यहाँ हर साल मनाया जाता है। ये 26वां गणेश उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। इस मंदिर के कमेटी की तरफ से, इस मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से और इसमें सारे प्रशासन की, सारे जो भी लोग हैं मंडी निवासी में, सबकी भागीदारी यहाँ होती है। और लास्ट के दिन में यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला जाता है और प्रोसेशन में हज़ारों लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं। उसके बाद जो मूर्ति है गणेश जी की, उसको मंडी में और इसके व्यास घाट में इसका प्रवाह किया जाता है। प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर ट्रस्ट के प्रधान ओमचंद सैनी ने बताया कि सिद्ध गणपति मंदिर में गणेश उत्सव 1992 से बनाया जा रहा है और इस बार यह 26वां गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एडीसी मंडी ने सिद्ध गणपति मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर गणेश उत्सव का आगाज किया। उन्होंने बताया कि यह त्यौहार 25 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ शाम को जो है 3 से 6 बजे तक जो है भागवत श्री संजय वशिष्ठ जी का शुरू होगा और वे बिलासपुर से हैं, दाला घाट से। वे अपने संगीत में जो है भागवत करेंगे शाम को। और 3 सितंबर को जो है हमारा विसर्जन का कार्यक्रम है जिसमें पूर्णावती 11:30 बजे हुई और 12 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। वो 4 बजे तक भंडारा चलता रहेगा। 4 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। वो 6 बजे जो विसर्जन, जहाँ सभी देव देवताओं जो साथ चलेंगे मूर्ति विसर्जन के लिए, और व्यास घाट पे जो है 6 बजे मूर्ति विसर्जन होगा। हम जो है सारे यहाँ जो मंडी वासियों व यहाँ के जो स्थानीय वासियों व इससे जुड़े हुए सभी जितने भी लोग हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक और जो सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सब की मंगल कामना करते हैं कि यह है उनका भविष्य जो है आनंदमय हो और सुखमय हो। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। यदि किसी को आग जरा सी भी छू जाए तो उसकी जलन से हाल बेहाल हो जाता है, लेकिन जब किसी को अग्नि परीक्षा देनी पड़े तो सोचिए क्या होगा। मंडी शहर के बीचों बीच स्थित माता चामुंडा काली के मंदिर में यह दृश्य वर्ष में एक बार जरूर देखने को मिलता है, जहां माता के पुजारी दहकते अंगारों पर चलकर अपनी भक्ति की अग्नि परीक्षा देते हैं। मंडी शहर के बीचों बीच स्थित है माता चामुंडा काली का मंदिर। इस मंदिर में हर वर्ष माता की वार्षिक जाग का आयोजन किया जाता है। लोग बड़ी संख्या में इस वार्षिक जाग में शिरकत करते हैं। वार्षिक जाग में जहां रात भर भजन कीर्तनों के माध्यम से माता की महिमा का बखान होता है, वहीं इस दौरान एक दृश्य ऐसा भी देखने को मिलता है जिस पर खुली आंखों को यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह दृश्य होता है माता की पुजारियों की अग्नि परीक्षा का। मंदिर परिसर के एक कोने में अग्नि जलाई जाती है और रात करीब 12 बजे माता चामुंडा काली, महाकाली और देव बाला कामेश्वर के रथ इस अग्निकुंड के पास लाए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है अग्नि परीक्षा का दौर। माता के पुजारी बारी बारी करके इस अग्निकुंड के ऊपर से एक बार नहीं अनेकों बार गुजरते हैं। मंदिर कमेटी के साथ जुड़े तिलकराज ने बताया कि पुजारियों में दैवीय शक्ति प्रवेश करती है और उसके बाद ही पुजारी दहकती आग पर चलते हैं। इससे पुजारियों का बाल भी पंखा नहीं होता। यह इसी बात का प्रमाण होता है कि पुजारियों की भक्ति माता के प्रति अटूट है। आज की जाग में हमारी माता काली चामुंडा, मां काली और देव बाला कमेश्वर ने भाग लिया और उनके गुरु जो है उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा दी। तो सभी गुरु जो है ये माता के अपनी उन्होंने सभी ने अग्नि परीक्षा दी और ये सभी श्रद्धालुओं ने देखा कि इन गुरुओं के बीच में देव शक्ति जब आती है तभी ये अग्नि के ऊपर ये चल सकते हैं, अन्यथा ये अग्नि के ऊपर नहीं चल सकते। अगर कोई दूसरा आदमी ऐसे चलने की कोशिश करेगा तो जल जाएगा। इसे ये सिद्ध होता है कि जितने भी देवता जब इनमें प्रवेश करेंगे तो ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हम लोग भी हैं देव समाज जो है। वही इस जाग को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। लोगों को भी रात के समय निभाई जाने वाली इस रस्म का बेसब्री से इंतजार रहता है। वही लोगों की माता के प्रति भी अटूट श्रद्धा है, जिस कारण भी लोग मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते, क्योंकि लोग यहाँ पर भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, पर इसलिए लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा आए हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ की माता जो है बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर में जो जाग होती है, इस मंदिर की माता का नाम महाकाली है और इस मंदिर में यहाँ पर जाग जो होती है वह बहुत प्रसिद्ध है। दहकते अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देने की यह परंपरा कोई नई नहीं है। यह प्रथा इस मंदिर में कई सदियों से ऐसे ही निभाई जा रही है। समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ अब सैकड़ों की संख्या में माता के पुजारी अग्नि परीक्षा दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल। इन दिनों बरसात का मौसम चला हुआ है और इस मौसम को वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। इस उचित समय को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय बासा के पास फॉरेस्ट डिवीजन गोहर और उपमंडलीय न्यायिक प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार वन महोत्सव के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बरसात का मौसम पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।
इस दौरान मौसम में ज्यादा नमी के कारण जमीन में भी पर्याप्त मात्रा में नमी होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजकीय महाविद्यालय बासा के पास फॉरेस्ट डिवीजन गोहर और उपमंडलीय न्यायिक प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार वन महोत्सव के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडलीय न्यायाधीश अशोक बत्सल, एसडीएम गोहर राघव शर्मा, डीएफओ गोहर, एनएसएस यूनिट के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान उपमंडलीय न्यायाधीश अशोक बत्सल ने पर्यावरण और जंगलों से संबंधित विधि कानून और मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं एसडीएम राघव शर्मा ने सभी विद्यार्थियों से आह्वान किया कि घर घर जाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक जागरूकता फैलाई जाए और आने वाली पीढ़ी को और भी अच्छा पर्यावरण बनाकर सौंपने का संकल्प लिया जाए। हमारा जो ये जिंदगी से जुड़ा हुआ, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, तो हम सब की ये जिम्मेदारी भी है कि हम इसकी प्रोटेक्शन करें, इसकी इम्प्रूवमेंट करें। हमारा आर्टिकल 48A, हमारे संविधान में आर्टिकल 48A में प्रावधान है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट दी एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें। फॉरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, पहली बात प्रोटेक्शन। दूसरी बात क्या है, इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, हम लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में जो बेसिक लिविंग कंडीशंस है, जैसे बताया कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे ऑक्सीजन वाटर जो बेसिक लिविंग कंडीशंस होते हैं हमारे लिए, मानव जीवन के लिए, वो सारे जंगलों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि नदियां जो हैं उनके सोर्स भी कहीं पहाड़ों में और जंगलों में होते हैं, बारिश जो होती है वो जंगलों से जुड़ी हुई होती है, और ऑक्सीजन जो है वो पेड़ से मिलती है। तो इसलिए आप अगर इस दुनिया को बेहतर शेप में छोड़ना चाहते हैं, बेहतर जीवन अपनी अगली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है जंगलों को बचाएं और जंगलों का विस्तार भी करें। इसलिए इंटर जनरेशनल इक्विटी का कंसेप्ट जो है वो वन संरक्षण से जुड़ा हुआ है। याद रहे कि आज पर्यावरण का संतुलन कुछ इस कदर बिगड़ चुका है कि इसके कारण मानव जाति पर ही खतरे के बादल मंडराना शुरू हो गए हैं। आए दिन बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाला धुआं और वहां से निकलने वाला गंदा कचरा पर्यावरण को हानि पहुंचाने का मुख्य कारण है, जिसके लिए समय समय पर पौधारोपण करना आवश्यक बन गया है। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। आईटीआई मंडी में मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा दो दिवसीय पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा 18 अगस्त को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था और उस लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों का पर्सनल इंटरव्यू कंपनी द्वारा लिया जा रहा है। आईटीआई मंडी में मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा 25 और 26 अगस्त को दो दिवसीय पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा 18 अगस्त को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें हिमाचल के साथ अन्य राज्यों के लगभग 1000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि उस लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों का पर्सनल इंटरव्यू कंपनी द्वारा लिया जा रहा है। कंपनी द्वारा उम्मीदवारों को SMS के द्वारा सूचित कर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और पहले दिन लगभग 300 युवाओं को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आज जो है लगभग 300 युवा जो है जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया है वो पूरे इंडिया से यहाँ इस टेस्ट को जो है आज दे रहे हैं। इसमें खाली उनसे पर्सनल इंटरव्यू हो रही है और आज अगर ये लोग इसमें पास हो जाते हैं तो उनकी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल पक्की है। बाकी 300 के लगभग लोग 26 अगस्त इसको ज्वाइन करेंगे, तो मैं समझता हूँ आईटीआई मंडी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक इंडिया लेवल का कैंप जॉब का यहाँ आईटीआई मंडी में लगा हुआ है और लोगों को रोजगार यहाँ मिलने वाला है। रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।